हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं स्टडी थ्री बाई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए न्यू तरीका बताने वाला हूं। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर 100% लिंक कर पाओगे। दोस्तों, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद जो गूगल सर्च बार है, गूगल सर्च बार में आपको यहाँ पर टाइप करना है आधार कार्ड और दोस्तों सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों ये लिंक है, पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है, UIDAI। जब आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो इस तरह का आपके सामने पेज खुल जाएगा आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट का जो होम पेज है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको बुक अपॉइंटमेंट का, यहाँ पर दोस्तों क्लिक कर देना है, जो एक ऑप्शन मिलेगा। जब दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद क्या क्या आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट का, इस पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो कैप्चा है, जिस तरह कैप्चा लिखा है उसी तरह आपको बॉक्स में कैप्चा को फिलअप कर देना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। जब दोस्तों सेंड OTP पर क्लिक कीजिएगा तो जो मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर डाले हैं, उस पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिलअप करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं OTP दोस्तों डाल देता हूँ, जैसे कि OTP यहाँ पर देख सकते आ गया है 220127 है। मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। जब दोस्तों सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलकर ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट आधार का, ठीक है, अपडेट आधार पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट पर टिक कर देना है। उसके बाद इंटर डिटेल एस पर आधार, जो आधार पर डिटेल है, सबसे पहले अपना नाम डाल देना है। तो मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने देखिए आधार नंबर का ऑप्शन आ जाता है, तो जिसमें आपको मोबाइल नंबर जोड़ना है जिस आधार कार्ड में, उसी आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ इंडियन रेसिडेंट पर टिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू वांट टू अपडेट, आपको क्या अपडेट करना है, तो मोबाइल नंबर पर टिक कर देना है। मोबाइल नंबर टिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जितना आप डिटेल भरे हैं यहाँ पर शो कर देगा। अगर आपको चेंज करना है मोबाइल नंबर, तो एडिट का ऑप्शन है, एडिट पर क्लिक करके आप मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। अभी दोस्तों जो मोबाइल नंबर डाले हैं, अगर आप गलती मोबाइल नंबर डाले हैं या दूसरा चेंज करना चाहते हैं डाल सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। जब सेव पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज आपके सामने एक खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टिक करके यहाँ जो सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपके सामने एक पेज खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक आईडी मिलेगा, अपॉइंटमेंट आईडी, इसे दोस्तों आपको नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एडवांस सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए एडवांस सर्च का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले सेंटर बाई, ठीक है, नेम, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेंटर का नाम सर्च करना है, अपने सिटी का नाम जो भी आपके नज़दीक में होगा। तो मैं यहाँ पर सिटी का नाम डालकर सर्च करता हूँ। जब आप सर्च कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जो सेंटर का मिल जाएगा, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर आप लिंक करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो भी आपके पास नज़दीक में सेंटर है उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है।
जब दोस्तों आप बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको डेट सेलेक्ट करना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए टाइम का ऑप्शन आता है, टाइम को सेलेक्ट करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का पेज खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट डिटेल का ऑप्शन आ जाता है, अमाउंट टू बी पेड 50 रुपये आपको पेड करना होगा और ये पैसा आपको सेंटर पर ही देना पड़ेगा। तो कंफर्म पर क्लिक करना है। जब आप कंफर्म पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपका जो फॉर्म है अपॉइंटमेंट का वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक PDF मिल जाएगा, इस PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसे प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपको सेंटर पर लेके जाना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है 5 मिनट के अंदर लिंक कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इसे आपको प्रिंट लेकर जाना है। इसमें 2 फॉर्म है, ठीक है, इस टोटल को निकलवा लेना है, लेकर जाना है। दोस्तों इस तरह से आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो। आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।